दिल्ली में चली 2 दिवसीय बैठक के बाद बिलासपुर पहुंचे कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने लाहौल स्पीति के आलू उत्पादकों को खुशखबरी सुनाई है। केंद्र सरकार द्वारा निमाटोड वायरस के चलते 4 राज्यों में आलू के बीज की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें लाहौल स्पीति में तैयार बीज के सैंपल भी भेजे गए थे। इस सैंपल में निमाटोड वायरस नहीं पाया गया, जिससे बीज की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया है। निमाटोड वायरस के चलते केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में उत्पादित आलू के बीजों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदेश के 5 जिलों से कई सैंपल चेकिंग के लिए भेजे गए, जिसके बाद दिल्ली में चली 2 दिनों की बैठक के बाद लाहौल स्पीति के 26 सैंपल पास कर दिए गए हैं। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे ने कहा कि लाहौल स्पीति के आलू के बीज के सैंपल ठीक पाए गए हैं। उन्होंने इसकी बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने की भी बात कही। उन्होंने अन्य जिलों से दोबारा बीज के सैंपल एक्सपर्ट के पास भेजने और उपचार के बाद ही उन पर प्रतिबंध हटाने की भी बात कही। आलू बीज के बिक्री पर प्रतिबंध हटाने से लाहौल स्पीति के आलू उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वहीं इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि जायका के पहले चरण में 321 करोड़ रुपए प्रदेश के 5 जिलों में खर्च किए गए थे, तो वहीं दूसरे चरण में प्रदेश के सभी जिलों में 1100 करोड़ रुपए कृषि विविधीकरण पर खर्च होंगे। कैंसर से बचने के लिए रासायनिक व जैविक खेती को बंद कर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को ग्रामीण इलाकों तक पहुँचाने का काम किया जाएगा, जिसमें 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और आपका तमिलनाडु का जो आलू है उसमें जो है प्रतिबंध लगाया गया था, उसमें ये लिखा गया कि इसमें निमाटोड वायरस पाया गया है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 5 जिलों के सैंपल ले गए थे, 26 के 26 सैंपल में ये वायरस नहीं पाए गए, नेगेटिव सारे पाए गए थे। तो उनसे मैंने निवेदन किया, सारे कागजात दिखाए, कागजात के बाद फैसला हुआ कि जो है लाहौल स्पीति का आलू पर बैन हटा दिया गया है। और साथ ही साथ मैंने ये भी निवेदन किया कि हिमाचल प्रदेश का जो आलू है बाकी जिले के अंदर कि उसको प्रतिबंध हटाया जाए। हमें समय दिया है, उन्होंने कहा इसमें उपचार करिए, उपचार करने के बाद जैसे उसका द्वारा सैंपल लेंगे, सैंपल अगर इस पर नेगेटिव पाया जाता है तो द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश से ये प्रतिबंध तब हटेगा जब इसके सैंपल नेगेटिव पाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश से बाहर भी हम बेच सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बीज के रूप में बेच सकते हैं, ताकि जो है लाहौल स्पीति का जो है पूरे हिमाचल प्रदेश का जो है जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गया था द्वारा पटरी में आएगा। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।